वाओ, मैंने पिछले पार्ट में बनाया था एक्सपी फॉर्म, देखूं तो कैसा काम कर रहा है। लग तो एकदम बढ़िया रहा है और कैल्प भी ऊपर तक उग गए हैं। जलाए लीवर दबाकर इस पूरे कैल्प को तोड़ देता हूँ। अब जरा देखूं क्या हालात है। कुछ कैल्प बाहर गिर गए हैं, उन्हें इकट्ठा कर लेता हूँ। तो ये हो गए सारे इकट्ठे। चलो अब जाता हूँ फर्नेस की तरफ, क्योंकि मुझे एक्सपी भी तो इकट्ठे करने हैं। तो अभी मेरा एक्सपी है इतना। भाई बहुत मजा आएगा, खूब एक्सपी मिलेगा। तो चलो जितना इकट्ठा किए हैं उनको डाल देते हैं फर्नेस में और बाकी को कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास कितना एक्सपी आएगा। तो ये डाला कैल्प्स और इसे इकट्ठा किया और दूसरे वाले को इकट्ठा किया। उसके बाद देखेंगे कि हमारा एक्सपी कितना बढ़ता है। That was a joke, guys. मुझे दूसरा एक्सपी फॉर्म बनाना था, इसलिए मैंने ऐसा किडिंग किया। भाई कुछ तो रीजन देना पड़ेगा ना। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले शाउट आउट हो जाए। तो पहला शाउट आउट है अजीज अहमद का, बोलते हैं प्लीज शाउट आउट मी, आई कैंट गेट शाउट आउट। त्रिशा लोकेश बोलती हैं ब्रो आई एम बिग फैन। रीनी जवेल बोलते हैं ग्रीम पोर्टल इज द बेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड। भाई ऐसा नहीं है। बर यास्मिन बोलते हैं प्लीज मेक वीडियो ऑफ हॉरर स्टोरी, मेक स्टोरी ऑफ हॉरर किस। तो ब्रोस तैयार रहना, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ हॉरर गेम्स की स्टोरी, और भी कई गेम्स की स्टोरी होगी। क्योंकि मैंने पोस्ट करके आपसे पूछा था कि मैं स्टोरी बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे गेम सजेस्ट कीजिए जिसकी स्टोरी मैं फाइंड आउट करके आपके सामने लाऊं। सो बी रेडी, क्योंकि ये स्टोरी वंस इन अ वीक इस गेम पोर्टल वाले चैनल पे आएगी। मजा आएगा ना भिड़ो। और इसके अलावा मैं नए और इंटरेस्टिंग गेम्स लाने वाला हूँ गेम पोर्टल 2.0 चैनल पर। साथ ही साथ अगर आप फ्री फायर और पबजी पसंद करते हैं तो मेरे 3.0 चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गेम पोर्टल 3.0 में मैं लाने वाला हूँ स्टोरीज। तो बहुत मजा आने वाला है आने वाले समय में। तो बी श्योर कि मेरे तीनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखें। तो ये जो मैं एक्सपी फॉर्म बनाने वाला हूँ, इसके लिए मुझे सबसे पहले एक जगह ढूंढनी होगी। ये बनेगा कैक्टस से। इसका जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा कैल्प वाले एक्सपी फॉर्म से। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो कैक्टस की एक इंटरेस्टिंग बात होती है जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ना जब आप कैक्टस को लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर खोद करके सैंड लगाया, उसके ऊपर लगा दिया मुझे, तो इसके ऊपर मैं कैक्टस लगाऊंगा। कैक्टस जैसे ही ऊपर ग्रो करेगा, अगर उसके आसपास कोई चीज़ होगी, जैसे कि अभी मैं उसके ऊपर मैं लगाता हूँ फेंसेस, तो वो टूट जाता है, अपने आप ही टूट जाता है। इसके लिए मुझे नीचे वाले जो फेंसेस है उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर आप आराम से इसमें जो कैक्टस है उसको ग्रो कर सकते हैं। जब कैक्टस एक ब्लॉक ऊपर ग्रो होना चालू होता है, तो जैसे ही फेंसेस उसके किनारे किनारे आते हैं, वो अपने आप ही ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर हमें कोई लीवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे कोई पिस्टन वगैरह लगाना पड़ेगा कि मैं उसे बार बार तोड़ूँ, या अपने आप ही टूटता जाएगा और नीचे गिरता जाएगा। तो बस अब मुझे बीचों बीच इसमें प्लेस करना पड़ेगा जो कैक्टस है हमारा। तो एक ऑटोमेटिक फॉर्म होगा जिसमें मुझे बस कलेक्टिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, एक कलेक्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा जो उन टूटे हुए जो कैक्टस हैं उनको इकट्ठा कर सके, वो भी मैं बनाऊंगा। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम होगा वो रहेगा। अब जैसे ही वो एक ब्लॉक ऊपर ग्रो करेगा, वो अपने आप ही टूट जाएगा। A few moments later. बहुत देर हो गई, ये टूट नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ऊपर बनेगा, क्योंकि हमें फर्नेस के लिए नीचे जगह चाहिए, तो इसको थोड़ा हाइट में बनाना पड़ेगा ताकि हमें नीचे जगह मिल जाए। तो मुझे ये जगह सूटेबल लग रही है जहाँ पर हम अपना एक्सपी फॉर्म बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कोबलस्टोन अपने पास रखा हुआ हूँ। तो कोबलस्टोन से सबसे पहले ऊपर जाकर एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। काफ़ी कोबलस्टोन मैं अपने साथ में लाया हूँ। उसके अलावा मुझे वाटर बकेट्स लगेंगे,
उसके अलावा कैक्टस लगेगा, और उसके अलावा मुझे लगेगा सैंड जो कि अपने साथ में लाया हूँ मैं, और लगेंगे खूब सारे फेंसेस। तो सिस्टम आपने देख ही लिया है कि किस तरीके का जो सिस्टम है वो ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले कॉबल स्टोन प्लेस करके इसे 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक ऊपर कर लेते हैं। इसकी हाइट मिनिमम 5 ब्लॉक तो होनी ही चाहिए। अब उसके ऊपर आप प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे, वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपका कैक्टस उगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं, लगभग 8 ब्लॉक 9 ब्लॉक तक होना चाहिए इसकी जो डिस्टेंस है। तो उस साइड तो अब एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो इस साइड एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि पानी जो है वो 8 ब्लॉक तक ही जाता है। तो मेक श्योर कि आपका 8 ब्लॉक का जो बीच वाला हिस्सा हो 8 ब्लॉक का हो, क्योंकि इस साइड से हम पानी डालना चालू करेंगे और उस कोने तक पानी जाएगा। फिर इसको आप चाहे तो 9 ब्लॉक तक एक्सटेंड कर सकते हैं, या चाहे तो 17 ब्लॉक तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसका भी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं इसको और आगे तक एक्सटेंड कर लेता हूं। तो बस इतनी लेंथ मेरे ख्याल से काफ़ी होगी। अब इसके बाद में हम इतने ही इस साइड कर लेंगे और उसे पूरी तरीके से कोबलस्टोन से भर देंगे बीच वाले हिस्से को। तो हमारा जो बेसिक प्लेटफॉर्म है इस तरीके से पूरा हो जाएगा। फॉर्म तैयार, अब इस पे ऊपर चढ़ने की जगह बनाते हैं। फिर ऐसा ही सिस्टम हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, लेकिन 1 ब्लॉक ऊंचा, 1 ब्लॉक का गैप रखे करेंगे, क्योंकि नीचे पानी रहेगा और पानी जो है वो कलेक्टिंग पॉइंट रहेगा। जितने भी नीचे कैक्टस गिरेंगे उसको पानी इकट्ठा करेगा और उनको हॉपर में जाके गिरा देगा। तो ये बन गई सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। ये देखिए अब हमको करना ये है कि इसको चारों ओर से 1 ब्लॉक ऊंचा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पानी आएगा। तो हर तरफ से इसको 1 ब्लॉक ऊंचा कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ गैप रख के फेंसेस लगाना चालू करेंगे। तो इस तरीके से इसे पूरा कर देते हैं। तो फेंसेस जो हैं वो 1 ब्लॉक को छोड़ के लगाना पड़ेगा। 2 फेंसेस की हाइट कम से कम हमको रखनी पड़ेगी, और हर फेंस के ऊपर सबसे पहले सैंड रखाएगा। सैंड के ऊपर हम जो अपना कैक्टस है उसको लगाएंगे। फिर कैक्टस लगने के बाद में उतने ही ऊंचे यानी 1 ब्लॉक छोड़ के फिर हम उस पर फेंसेस लगाएंगे। जो भी सिस्टम है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं उसे बना के दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से मैंने 1 ब्लॉक ऊंचा तो कर दिया हर जगह को। मेरे ख्याल से अभी सब सही लग रहा है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक की जो डिस्टेंस है वो 8 ब्लॉक होनी चाहिए, क्योंकि हम इस सिरे से जब पानी डालना चालू करेंगे तो वो लास्ट तक जाके रुक जाना चाहिए, तभी पानी एक ही साइड में फ्लो होके जितने भी कैक्टस गिरेंगे उसको सीधे नीचे गिरा पाएगा। तो मुझे तो अभी सब सही लग रहा है, ये बराबर बना हुआ है। अब मैं लगाना चालू करता हूँ फेंसेस। जो ये किनारे वाला हिस्सा है इसको होना चाहिए था 1 ब्लॉक डीप, जिसे हम बाद में बना लेंगे, उसको ना कोई जल्दी नहीं है, इसे हम बाद में भी करेक्ट कर सकते हैं। और इस हिस्से में जब यहाँ से पानी हम डालना चालू करेंगे तो 8 ब्लॉक का डिस्टेंस छोड़ के हमें हॉपर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए या तो 9 ब्लॉक की होनी चाहिए या तो 17 ब्लॉक की, क्योंकि 8 ब्लॉक के बाद एक हॉपर आप प्लेस करेंगे, और अगर 17 रखेंगे तो हॉपर बीचों बीच रहेगा और दोनों साइड से दोनों किनारे से हम पानी डालेंगे। तो नीचे किनारे के बॉर्डर और इनके बीच में शुरुआती वाले में 2 ब्लॉक का गैप होना चाहिए, और जितने भी फेंसेस रहेंगे उनमें आपस में केवल 1 ब्लॉक का गैप रहेगा। याद रखिए ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है जब हमने बॉर्डर बनाया है उससे जो फेंसेस है उसकी डिस्टेंस कम से कम 2 ब्लॉक की होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो कैक्टस है वो टूटने के बाद गिरता है तो सीधा इन बड़े वाले ऊपर वाले फेंसेस में गिरता है, सॉरी ऊपर वाले बॉर्डर वाले कोबलस्टोन में गिरता है। तो हमको 2 ब्लॉक का गैप रखना पड़ेगा, लेकिन जो फेंसेस खुद हैं उनमें 1-1 ब्लॉक का गैप ही चलेगा, उनमें केवल 1-1 ब्लॉक का, इनके बीच में एक्चुअली 1-1 ब्लॉक का गैप होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्लेस करना है पूरे ब्लॉक्स को। तो ये रहेगी इनकी प्लेसिंग इस तरीके से।
अभी हमें सारे फेंसेस को एक फेंस और ऊंचा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो पानी आएगा, तो इसको केवल रेफरेंस ले रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर एक और फेंस लगा सकें कुछ इस तरीके से। तो ये एक ब्लॉक और ऊंचा हो जाएगा, हर जगह हमें ऐसे ही ब्लॉक करके ऊंचा करना है और बाद में हम नीचे वाले सभी फेंसेस को तोड़ देंगे। तो नीचे वाले फेंसेस को तोड़ने पर ऊपर वाला हवा में लटका हुआ रहेगा और जो हवा में लटका हुआ फेंस रहेगा उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे हमारा सैंड वाला ब्लॉक और उस सैंड के ऊपर हम उगाएंगे अपना कैक्टस। तो इस तरीके से हम सारे फेंसेस को ऊपर एक एक ब्लॉक ऊंचा, एक फेंस ऊपर ऊंचा कर देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर चढ़कर यानी एक ब्लॉक प्लेस करके फिर इन्हीं फेंसेस के ऊपर हम पूरा सैंड लगाना चालू करेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं इनको एक एक ब्लॉक ऊंचा कर देता हूँ। जब हमारा ऊपर का अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा तब हम नीचे पानी डालना चालू करेंगे क्योंकि अभी तो हमको बहुत परेशानी होगी काम करने में। तो ये एक एक ब्लॉक ऊंचे हो चुके हैं, अब सैंड के ऊपर ये यहाँ ऐसे सैंड प्लेस करना है हमको। तो अभी सिर्फ नीचे चढ़ने के लिए एक ब्लॉक ऊंचा है क्योंकि ये, इसलिए चढ़ने के लिए मैं सैंड प्लेस कर रहा हूँ, इसे भी हम बाद में तोड़ देंगे। जो मैं नीचे वाला सैंड रख रहा हूँ जिसके ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए हर फेंस के ऊपर हमको इस तरीके से जो हमारा सैंड है उसको रखते जाना है और फिर नीचे वाले सैंड को और जो जिस पे हम खड़े हैं एक्चुअली में उस सैंड को और नीचे वाले फेंसेस को तोड़ना पड़ेगा हमको। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद हमारा अरेंजमेंट कैसा दिखेगा। तब नीचे के सैंड और नीचे के जो फेंसेस है वो हट चुके हैं, तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट दिखेगा। अब हमको करना ये है कि ऊपर वाले सैंड में हमको लगाना है कैक्टस। तो कैक्टस को लगाने के लिए कुछ इस तरीके से हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर हम कैक्टस प्लेस करते जाएंगे। तो सभी सैंड ब्लॉक के ऊपर ऐसे कैक्टस आता जाएगा। उसके बाद हम फेंसेस लगाना चालू करेंगे। मेक श्योर कि भाई आपका हेल्थ ठीक रहे क्योंकि भाई ट्रिकी हो सकता है क्योंकि कैक्टस लगाना भाई कांटे वाले होते हैं, कई बार आपको बहुत हर्ट करते हैं। तो इन्हें प्लेस करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, जैसे मुझे काफ़ी हर्ट हुआ अभी, तो वैसे अपना हेल्थ फुल करते हुए आप इन्हें प्लेस करिएगा इन केस कुछ गलती हो जाए। तो आप ऐसे बीच वाले किसी ब्लॉक में चढ़ के भी चारों तरफ के जो ब्लॉक्स हैं उस पर आप लगा सकते हैं। तो हमारे जो कैक्टस है वो प्लेस हो गए हैं। अब मेरे को करना ये है कि उस साइड के कैक्टस भी लगा लेता हूँ, तो उसके लिए पहले मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। तो जैसे ही उस साइड के कैक्टस पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम फेंसेस लगाना चालू करेंगे। तो मैं ये अरेंजमेंट आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम इनके ऊपर फेंसेस लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कैक्टस है यहाँ लग गया, अब उधर वाले कैक्टस भी लगा लेता हूँ मैं। तो उसके आसपास फेंस लगाने के लिए सबसे पहले आपको कैक्टस के खुद ऊपर एक फेंस लगाना पड़ेगा, उसे जिसे बाद में आप तोड़ देंगे। तो उसके बाद फिर रेफरेंस लेते हुए नीचे आकर आप उसके आसपास में फेंस लगाना चालू करेंगे। तो ये हो गया एक और, ये आखिरी था, मेरे ख्याल से सब जगह लग गए हैं कैक्टस। अब आपको करना ये है, ओहो बहुत हर्ट होता है भाई। तो बाकी बचे हुए डर्ट पीसेस जो एक्स्ट्रा हमने लगाए थे उन सबको निकाल लेते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो जो भी एक्स्ट्रा था सैंड का पीस जो था वो सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि इनकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो फ़िलहाल जितने यूज़ होने थे हमने यूज़ कर लिए, अगर बाद में हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो सैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप ऊपर फेंसेस कैसे लगाएंगे? ऊपर फेंसेस लगाने के लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा और जो सीधे इन जो कैक्टस है इनके पास जाना पड़ेगा और कैक्टस के ऊपर एक फेंस लगाना पड़ेगा। तो इसको एक ब्लॉक और चढ़ते हैं, तो यहाँ बीच उसके जस्ट ऊपर एक फेंस प्लेस करते हैं और इसका रेफरेंस लेते हुए इसके बगल में एक और फेंस लगा देते हैं। बस अब आपको नीचे उतरना है और इस फेंस को आगे बढ़ाते जाना है। अब आप बीच वाले फेंस को तोड़ सकते हैं क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए अब आपको रेफरेंस मिल गया, अब आप नीचे से इनको आगे बढ़ाते जा सकते हैं। बस ऐसे इन फेंसेस को अब टच करते हुए नीचे से इनको एक्सटेंड करते जाइए। ऐसे ही अंदर भी एक्सटेंड करना है, बाहर भी एक्सटेंड करना है। मेक श्योर कि फेंसेस की पोजीशन बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे हमने नीचे वाले कैक्टस पे डाली थी, कि हर एक कैक्टस कम से कम
एक या दो फेंसेस तो घे से घिरा होना चाहिए, चारों फेंसेस से घिरा हो तो काफी अच्छा है, लेकिन एक या दो भी होगा तो भी चलेगा। ओहो, मैं नीचे गिर गया। तो जो एक्स्ट्रा फेंसेस है उसको हम बाद में तोड़ देंगे, अभी तो हम सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही आपको बीच वाले कैक्टस के बीचों बीच भी ऐसे लाइन खींचनी होगी। फिर जब ऊपर का अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद हम नीचे पानी डालना चालू करेंगे। तो इस तरीके से फेंसेस को हमको आगे बढ़ाते जाना है और एक नेटवर्क बना देना है, यानी एक जाल बना देना है ऐसे फेंसेस का। A3. अब ये देखिए, ये जो कैक्टस है हमने पहले लगाया था, ये जैसे ही ग्रो हुआ एक टूट के नीचे गिर गया। बस इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो ऊपर वाले कैक्टस है वो काम करेंगे। तो इन फेंसेस को अब मैं तोड़ देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। इस कैक्टस को भी हटा देता हूँ। ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था कि कैसे ये वर्क करेगा, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो अब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो इनको तोड़ देते हैं। फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है उसमें अब पानी डालना चालू करेंगे। पानी डालने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम हॉपर प्लेस करेंगे, कहाँ पर हॉपर प्लेस होना चाहिए। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट है कि हमने ये बीच वाले फेंसेस तोड़ दिए थे और ये अभी बराबर लग रहा है। कुछ और बाकी है तो बीच वाले फेंसेस को हम तोड़ देंगे, फिर हम पानी प्लेस करना चालू करेंगे। ठीक है, अब सही लग रहा है। तो देखिए, अब यहाँ ऊपर से देखते हैं कि किस टाइप का दिख रहा है ये। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ऊपर से कि किस तरीके का दिख रहा है कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो सेटअप है। तो अभी और ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा सिस्टम। तो ये देखिए, इस तरीके से दिखेगा आपका सिस्टम। इसमें कैक्टस बीच में है और चारों तरफ फेंसेस हैं। अब हम इसमें पानी प्लेस करना चालू करते हैं, यानी पानी डालना चालू करते हैं। तो मैं इसके लिए अपने साथ काफ़ी सारे वाटर बकेट लाया हूँ। उन वाटर बकेट को हम ये जो कॉर्नर है जो इस साइड से पानी गिरना चालू होगा, इस साइड से हम पानी डालना चालू करेंगे और वो उस कोने तक जाएगा, यानी कि जिनके बीच में मैंने 8 ब्लॉक का गैप रखने बोला था वो उस जगह से हम डालना चालू करेंगे, उस किनारे से डालना चालू करेंगे। तो जितने भी हमारे जो कैक्टस है वो गिरेंगे वो सीधे पानी के फ्लो में होते हुए उस पॉइंट तक पहुँचेंगे जहाँ से हमको उनको और आगे भेजना है। तो इस तरीके से देखिए, हमको वाटर डालते जाना है और पूरे आखिरी तक इनको ऐसे ही पानी डालते जाना है, ताकि ये देखिए पानी का जो फ्लो है वो आखिरी तक जाके रुक जाए। आप जितने लंबा बनाएंगे उतना ज़्यादा वाटर बकेट आपको लगेगा। अब ऊपर से टूटकर जितने भी कैक्टस हैं वो नीचे आकर गिरेंगे और नीचे गिरेंगे तो पानी का फ्लो उनको लास्ट तक पहुँचा देगा। तो ऐसे लास्ट तक पहुँचाना है। देखिए, ये पानी यहाँ तक इसको पहुँचा रहा है। अब इसको ये कैनाल टाइप का बनना चाहिए। हम उस एंड से एक और बकेट डालेंगे पानी, जिससे कि फ्लो इनको और आगे पहुंचाएगा। तो अभी मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है तो और इकट्ठा करके ले आता हूं। तो मैं जितने भी मेरे पास बकेट थे वो सब खाली हो गए हैं। तो ये बात अच्छा है कि मेरे पास स्विमिंग पूल है, तो यहां से जब चाहे मैं पानी भर सकता हूं। वैसे अब मुझे ज़्यादा वाटर बकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी तो मैंने डाल ही दिया है। तो बचा हुआ स्पेस है, बस उसी में मुझे जो वाटर बकेट है वो डालना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद वो जो कैनाल वाला सिस्टम है उसको डालने की तैयारी करेंगे। तो वहाँ कैनाल बनाने के लिए मुझे नीचे आकर एक ब्लॉक और प्लेस करना पड़ेगा और ऊपर का ब्लॉक हटाना पड़ेगा, तभी हमारा जो कैनाल वाला सिस्टम है वो पूरा हो पाएगा। तो ये देखिए, लास्ट तक पानी ऐसे ही जाएगा, सब जगह आपको ऐसे ही पानी डालना है। मेक श्योर कि कहीं भी गैप ना हो, सभी जगह जो पानी है वो लास्ट तक पहुँचे, तभी आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो जहाँ भी आपको गैप दिखता है वहाँ डाल दीजिए। देखिए, अब पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। तो हर जगह ऐसे पहुँचना चाहिए आपको, लास्ट तक पूरा पानी फ्लो होके यहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो ऐसे जाके आपका जो कैक्टस है यहाँ आकर गिरेगा। अब यहाँ एक कैनल सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसके नीचे मुझे नीचे से जाकर एक एक ब्लॉक प्लेस करके ऊपर का ब्लॉक हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कैनल सिस्टम रहेगा, थोड़ा एक नीचे ब्लॉक का गैप रहेगा, फिर यहाँ पर से हम पानी डालना चालू करेंगे तो यहाँ तक आएगा ये। अब जहाँ ये पानी ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमको हॉपर लगाना पड़ेगा और ऐसे ही पानी दूसरे साइड से भी डालना पड़ेगा, जो 8 ब्लॉक तक जाएगा और बीचों बीच में हमारा हॉपर रहेगा, वो वहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएगा।
तो देखिए नीचे से सिस्टम कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो बाकी बचे हिस्से को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, जो कैनाल वाला सिस्टम है, वो पूरा हो जाएगा। अब हम बीच में हॉपर प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले नीचे जाकर बीच वाला जो हिस्सा है जहाँ पर पानी ख़त्म हो रहा है वहाँ एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा और नीचे आकर एक ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा, फिर वापस आकर वहाँ हॉपर प्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए इसको यहाँ तोड़ना है। इस ब्लॉक को तोड़ने के बाद में हम यहाँ हॉपर प्लेस कर सकते हैं। तो ये टूट, हट जा किटी भाई, हट जा, ये ब्लॉक टूट गया, यहीं पर हमारा हॉपर रहेगा। अब हॉपर का जो नली है वो नीचे की तरफ रहे, इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा, आपको यहाँ नीचे में एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा जो कि एक ब्लॉक नीचे रहेगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। कोबलस्टोन को यहाँ एक प्लेस कीजिए नीचे में इस ब्लॉक के, और उसके कनेक्टेड करते हुए एक ब्लॉक और रख दीजिए, ये ऐसा और एक ऐसा। बस इस ब्लॉक का जो है वो काम ख़त्म हो गया है, तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि कभी भी हॉपर हम प्लेस करते हैं तो वो आजू बाजू अटैच हो सकता है। एकदम नीचे उसको नली रखने के लिए हमको एक जो कोबलस्टोन है वहाँ पर चाहिए रहता है। बाद में उस कोबलस्टोन को तोड़ के हम उसकी जगह चेस्ट रख सकते हैं, जो कि लार्ज चेस्ट भी हो सकता है, उससे उस चेस्ट से कनेक्टेड करते हुए फिर हम अपना जो फर्नेस है उसको लगा देंगे, सेम जैसे मैंने वो कैल्प वाले सिस्टम में किया था। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा हॉपर और क्राउच होना पड़ेगा, और उसके बाद क्राउच होकर आप क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। अब हॉपर प्लेस हो गया है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं चेस्ट। नीचे वाला ब्लॉक हमने तोड़ दिया है और यहाँ पर उसकी जगह लगा दिया है चेस्ट को, और एक चेस्ट इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा लार्ज चेस्ट। तो क्राउच हो जाते हैं तो ये लार्ज चेस्ट बन गया। अब हम हॉपर लेते हैं और जो हॉपर हमारे पास में है उसको सेलेक्ट करके इसके नीचे में प्लेस कर देते हैं। तो ये गलत प्लेस हो गया है, इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे में जाकर हॉपर को आपको प्लेस करना पड़ेगा, वैसे ही दूसरा हॉपर प्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप अपना फर्नेस लगा दीजिए। तो बस फर्नेस लगने के बाद में आपका जो सिस्टम है वो पूरा हो जाएगा, और उसकी बाद आपको उसमें कोल रखना पड़ेगा। जो फर्नेस है उसमें आपको कोल रखना पड़ेगा ताकि जो भी टूट के आए वो डायरेक्ट स्मेल्ट होना चालू हो जाए, और आपको जो बाद में आप कलेक्ट करेंगे तो एक्सपी आपको मिल जाएगा। बस इस सिस्टम में यही खराबी है कि आपको कोल की या फिर और किसी चीज़ की, जो आपका फ्यूल जैसा काम करेगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम आके देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा काम कर रहा है। तो हमने यहाँ कोल भी लगा दिया था, और ये सॉरी कोल नहीं लाया था, तो कोल अभी मैं साथ में लाऊंगा और उसमें प्लेस कर दूंगा। तो कोल अपने साथ में मैं रखा हुआ हूँ, यहाँ पर रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपको जो नीचे जो आपको फर्नेस दिख रहे थे उसमें आपको कैक्टस दिख रहे थे, यानी कि कैक्टस आके इसमें रखा हुआ है, ये देखिए ऊपर में, यानी जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ये देखिए। तो अब हमको आराम से एक्सपी मिल सकता है। तो भाई ये था वीडियो जिसमें आपने देखा कि कैक्टस की मदद से कैसे एक्सपी फॉर्म बना सकते हैं। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।